Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. Find the equation of the line passing through the points. Two points दिए हुए हैं आपको P5,1 and Q1,-1. Hence, show that P, Q and R 11,4 are collinear. Collinear का मतलब क्या है कि एक ही line में ये, ये और ये. ऐसा नहीं होना चाहिए ये और ये हो गया तो ये बीच में एक एंगल बनने लगा तो कोलिनियर नहीं है. बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होना चाहिए और कोई एंगल नहीं हो तो वो कोलिनियर होगा. जैसे ये जो है इस पे हर एक पॉइंट कोलिनियर है आपस में तो ये पूछ रहा है. तो अब पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि दो इक्वेशन दो अगर पॉइंट दिए हुए हैं और उनसे गुजरने वाली लाइन जो होगी उसकी इक्वेशन कैसे पता की जाएगी. पहले फिगर बना लेते हैं. काफी कुछ फिगर से ही समझ में आ जाता है. बस एक स्ट्रेट लाइन है P और Q उसमें लाई करते हैं. R कहीं भी हो सकता है R यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है बट ये सब हमें चेक नहीं करना है इसलिए हम कहीं पे भी R मान लेंगे बाद में. अभी तो केवल इक्वेशन निकाल लेते हैं. तो ये 5,1 है और दूसरा 1,-1 है. ठीक है. इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पी एंड क्यू इज गिवेन बाय क्या फॉर्मूला होता है. वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन है ना. एम कैसे पता चलता है. एम इन दो पॉइंट से आता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1. ठीक है बच्चों. तो इसमें हम लोग किसी इसको x1 y1 मान ले या इसको x1 y1 मान ले कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं पहले वाले को x1 y1 मान रहा हूं. इसको मैं x2 y2 मान रहा हूं. तो इससे क्या होगा x1 की वैल्यू 5 हो जाएगी y1 की वैल्यू 1 हो जाएगी x2 की वैल्यू 1 हो जाएगी y2 की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी. वो सारी चीजें इस पे हम लोग प्लग इन कर देते हैं. बस इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 क्या है 1 y2 क्या है माइनस 1 और माइनस 1 y1 क्या है 1 है माइनस यहां से ले लिया x2 क्या है 1 है और x1 क्या है 5. ठीक है भाई. और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 फिर से 5 है तो y माइनस 1 अच्छा ये माइनस 2 हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 माइनस 4 x माइनस 5. ठीक है भाई. अच्छा अब ये अगर आप देखें तो ये 1 बाई 2 है तो 2 को उस साइड ले जाएंगे 2 इंटू वाई माइनस 1 और ऊपर 1 है x माइनस 5 टू वाई माइनस 2 x माइनस 5. अच्छा ये रहता है इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हम सब कुछ रिपोर्ट करें तो वही करेंगे x माइनस 2y माइनस 5 प्लस 2. तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये हमारा पहला आंसर हो गया क्योंकि पहली चीज तो हमें पूछी गई है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो एक चीज हम लोग कर चुके हैं. ये लाइन कैलकुलेट करने के बाद हम जानते हैं कि इसका नाम हम 1 रख देते हैं तो ये ऐसी लाइन होगी जो P और Q से पास होती है. हमने ये बोला ही है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P एंड Q इज गिवन बाय दिस. अब हम चेक करते हैं कि PQ जो लाइन है इसमें R लाई करता है या नहीं. चेक इफ R 11,4 सेटिस्फाइज 1. अब सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है सब पुट कर देते हैं. जहां जहां X है वहां 11 रख दीजिए जहां जहां Y है वहां 4 रख दीजिए. देयरफोर 11 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.
तो ये 2 4 8 माइनस, तो ये माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 11, तो ये तो सही आ रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू. देयरफोर आर 11.4 lies in the line passing through P and Q. Therefore, P, Q and R are collinear. चलो भाई नीचे हैंस प्रूव्ड भी लिख देते हैं. तो प्रूव करने वाला जो काम था वो बस इतना ही है. सो दिस इज डन. और यहां पे कोई फाइनल आंसर नहीं है, मैं हेंस प्रूव्ड को ही बॉक्स कर देता हूं.